नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। घर से बाहर निकाला, दो को जिंदा जलाया, काला जादू के शक में गांव वालों ने ले ली जान। पुलिस ने इस मामले में गांव के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस हत्या की वारदात में आरोपियों में मृतक के पति और बेटा भी शामिल है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात एट्टापल्ली तालुका के वशेरबाड़ा गांव में हुई घटना के 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को गांव के लोगों ने द्वे अतलामी और 52 वर्षीय जमनी तेलामी को उनके घर से खींच कर निकाला और 3 घंटे तक उनकी पिटाई की। इसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आगे कहा कि इसके बाद दोनों के शवों को गांव के एक नाले में फेंक दिया तथा इस घटना की जानकारी पुलिस को अगले दिन हुई। तब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की। हत्या में पति और बेटा भी शामिल। पुलिस को अपनी जांच पड़ताल में पता चला है कि पड़ोसी बोलेपल्ली गांव में एक के बाद एक 3 मौतें हुई थी। आरोपियों को इन दोनों पर काला जादू करने का संदेह था। ऐसा संदेह कि तेलामी और पति और बेटा भी उसकी हत्या में शामिल है। पुलिस इस एंगल में भी जाँच कर रही है और भी लोग किए जा सकते हैं गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि दो लोगों की हत्या के मामले में जो लोग दोषी हैं सभी को कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अभी 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में और भी लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी और आरोपियों को सजा दिलाकर रहेगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।